नहीं डरो मत, मुझे कोरोना वायरस नहीं है। आजकल आप लोगों ने ये जो खांसने की आवाज़ और कुछ मैसेजेस आपके कॉलर ट्यून में ज़रूर सुने होंगे, बट वो क्यों है, वो लोग मैसेज क्यों कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, पहले वो देख लो फिर बात करते हैं। सो आजकल ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है हर जगह पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस के, हर एक किसी के स्टेटस पे मैं देख रहा हूँ कि लोग बाहर जा रहे हैं और पुलिस उनको मार रही है। और बहुत सारे जगह पे जैसे कि मोदी जी ने बताया था कि संडे को जनता कर्फ्यू था, जहाँ पे 5 बजे सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लोगों को हॉनर देना था, हम लोगों को क्लैप करना था, किसी चीज़ मतलब बजाने बोला था ताकि सबको रिस्पेक्ट दे सकें, पर लोगों ने इसका भी मजाक बना लिया। मतलब यार आप लोगों ने न्यूज़ तो आपको रोज़ देखते ही होंगे, इटली, चाइना, ये सब जगह पे जहाँ पे कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका है कि वो अभी मतलब कंट्रोल में भी नहीं है। और बहुत सारे जगह ऐसे है कि जहाँ पे वो लोग ने होप सी छोड़ दिया। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी फिर भी हमारे इंडिया में इस चीज़ की मजाक उड़ाई जा रही है और हर चीज़ में मजाक बना रहे हैं इस चीज़ को। अरे यार मतलब लोगों को लग रहा क्या यह समर वेकेशन चल रहा है क्या, मतलब बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ आजू बाजू के जगह पे लोगों को छुट्टी दी है, घर पे बैठने के लिए बताया गया है, फिर भी बाहर बैठ के पत्ते खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है। यार मतलब वेकेशन दिया है आपको यार इंडिया में, ये वेकेशन नहीं है यार, इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। और जो कि बताया गया है कि यहाँ पे इंडिया में जनता कर्फ्यू क्यों दिया है, ताकि ये जो चीज़ है, ये जो वायरस है, किसी पे फैले ना, ज़्यादा किसी को हो ना, क्योंकि इसका एंटीडोट अभी तक ठीक से बना भी नहीं है। बहुत सारी जगह पे रिकवरी हुई है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर होगा तो उस चीज़ का रिकवरी होगा। तो आप खुद का तो मत सोचो, नहीं सोच रहे हो तो जाने दो, अपने फैमिली वालों का सोचो। अगर आपको किसी बाहर घूम रहे हो, आपको अगर होता है वायरस, तो आपके वजह से आपके घर वालों को, आपके आजू बाजू वाले लोगों को, सबको हो सकता है ये वायरस। और ये जो वायरस है, ऐसे नहीं कि आप आज गए बाहर, आपको वायरस ने इफ़ेक्ट कर दिया और अब तो आपको तुरंत पता चल गया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ डिटेक्ट होने को टाइम लगता है, एटलीस्ट ऑलमोस्ट 10 डेज लगता है। सो उस 10 डेज में आप कितने जन से मिलते हो, कितने जन से बातें करते हो, या बाहर जाते हो जहाँ जबकि ये मना किया गया है कि बाहर नहीं जाना है, फिर भी आप बाहर जाते हो, मिलते हो लोगों को, तो जहाँ पे आप एक जन को बचाने की जगह पे आप 100 लोगों को और इफ़ेक्ट कर रहे हो। सो सोचो, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, ये इंडिया के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो आप बाहर घूम रहे हो, खेल रहे हो, ये सब के लिए लाइफ पड़ी है खेलने के लिए, मगर आप के पास अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो आप खेलोगे कब? बाहर जाने के लिए बहुत चीज़ है, बहुत समय है, आप बाद में भी जा सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। आप लोगों ने अभी जो एक सेलिब्रिटी है कार्तिक आर्यन का वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लो, उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया हुआ है कि क्यों यार, मतलब समझो जब हमको छुट्टी चाहिए रहती है तो हम लोगों को नहीं मिलती है। अगर आपको अभी छुट्टी दे रहे हैं तो घर पे बैठो ना, सबको ऑफिस जाने की पड़ी है। मैं खुद माइंड स्पेस में जॉब करता हूँ, वहाँ पे जॉब मेरा ऑफिस है, वहाँ पे लोगों को छुट्टियाँ दे दी गई, वर्क फ्रॉम होम दे दी गई है, ताकि घर पे बैठे और हम काम भी कर सकें और सेफ भी रहें। पर इस चीज़ को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मजाक में ले लिया है। और देख रहा हूँ कि यार टिकटॉक भी वीडियोस, अरे यार टिकटॉक बड़े वीडियोस बना रहे हो आप, ठीक है अगर आपको मन करता है बनाने का, घर पे बनाओ ना, बाहर मतलब बाहर घूम रहे हो
लोग देख रहा हो, कोई कोई वीडियो बना रहा है मतलब बिल्डिंग के नीचे अपने दोस्तों को भेज रहा है और ऊपर से भेज रहा है, बे साले ये सब वीडियो बनाने के लिए आप दोस्त को नीचे भेज रहे हो, मतलब लॉजिक ही नहीं है यार। तुम वीडियो बनाने के लिए दूसरे की जान के खतरा दे रहे हो, वही आपको आगे खुद को इफेक्ट करेगा और आप अपने फैमिली मेम्बर को, मतलब इस चीज़ का मतलब ही नहीं बनता यार। तुम अपने मतलब स्वार्थ के लिए दूसरों का हेल्थ ख़राब करके ले रहे हो यार, ये सब चीज़ तो होती रहेगी। इंडिया स्वस्थ रहेगा तब आप भी स्वस्थ रहोगे, आपके वीडियोस भी देखे जाएंगे अगर इंडिया स्वस्थ रहेगा तो। तो इस चीज़ को हम लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और बस इतना ही बोलना चाहूँगा। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, आउटडोर के व्लॉगिंग्स करता हूँ, मैंने भी सारी चीज़ें बंद कर दी है, घर पे बैठा हूँ ताकि सेफ़ रहूँ, मैं सेफ़ रहूँ, मेरे फैमिली मेम्बर सेफ़ रहे सबके लिए। सो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि घर पे रहो और कुछ दिनों के लिए ये सब चीज़ें बंद कर दो यार। वीडियो देख रहा हूँ मैं, मतलब कोई बोल रहा है कि हमको तंबाकू के लिए बाहर जाना था, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बनता यार इन लोगों को। तो मुझे तो लगता है कि पहले पुलिस मारनी चाहिए, जो पुलिस कर रही है वो बहुत ही सही कर रही है। तुम लोग सोचो पुलिस लोगों का, उनको इफेक्ट नहीं होगा क्या? वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग भी अपने जान का खतरा लेके बाहर खड़े हैं ना। फिर भी उनके घर वालों के लिए, जहाँ पे उनके घर वालों को भी लगता होगा कि हाँ मेरे जो कोई भी हो, उनके हस्बैंड यहाँ पे, जिसके डैड यहाँ पे, जिसका भाई जो बाहर पुलिस में जो अपने ड्यूटी कर रहा है, तो वो लोगों को भी लगता होगा ना कि वो भी तो सेफ रहे, बट वो हमारे सेफ्टी के लिए वो बाहर खड़े हैं। तो उनका एटलीस्ट उनका सोचो, खुद का नहीं सोच रहे हो तो ये चीज़ सोचने लायक है। सो डॉक्टर्स और जो भी हमारे पुलिस है, इंडियन पुलिस, सब लोगों को सैल्यूट है, वो लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि खुद के कुछ पल के मस्ती के लिए इंडिया का फ्यूचर खतरे पे मत डालो, और ये मैसेज सबको दो, सबको बताओ और सब लोग घर पे रहो। अगर इंडिया स्वस्थ रहेगा तो आगे की लाइफ भी स्वस्थ रहेगी। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे एट होम। Bye-bye.